गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सरकार की तरफ से कोविड के लेकर गाइडलाइंस बार बार जारी किए जा रही हैं। कभी वैक्सीनेशन को लेकर, कभी पोस्ट वैक्सीनेशन को लेकर, कभी कोविड की बीमारी को लेकर, कभी उसके ठीक होने के बाद, कभी प्लाज्मा थेरेपी पर। अब जो नई गाइडलाइंस है वो है दोस्तों शारीरिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और वेंटिलेशन को लेकर। तो इसमें दो टर्म्स के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये ड्रोपलेट और एरोसेल क्या होते हैं, कितनी दूरी पर फैलते हैं, कि अगर कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति है उससे कितना दूर आपको रहना चाहिए और उस व्यक्ति को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो कोविड-19 और वेंटिलेशन को जो है सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइंस। तो आज की इस वीडियो में हम तीन चीजों पर चर्चा करेंगे। एक है एरोसोल, सेकेंड है ड्रॉपलेट और थर्ड है सरफेस को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये की रूट्स ऑफ वायरस ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये दिया गया है। सबसे पहले तो आपको मास्क पहनना चाहिए जब भी आप किसी भी पीपल के अराउंड हैं, चाहे उसको कोई सिम्टम ये इन्फेक्शन के हैं या नहीं है, तो भी आपको मास्क जरूरी पहनना चाहिए। मास्क के में क्या क्या फर्क है, कौन सा मास्क आपको पहनना चाहिए, ये वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। द SARS-CoV-2 मल्टीप्लाइज इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द होस्ट एंड फ्रॉम देयर कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर। जो SARS-CoV-2 होता है वो अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो वो अपने आप में क्या होता है, म्यूटेशन होती है, यानी कि अपने आप को और भी पैदा होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है और वो दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। तो जो वायरस है वो सालिविया के थ्रू रिलीज हो सकता है, नेजल डिस्चार्ज के थ्रू रिलीज हो सकता है अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो, एक्सहेलेशन के कारण जब इन्फेक्टेड पर्सन बात कर रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, खांसी कर रहा है, तो इन सभी कारणों से भी अगर कोई कोविड संक्रमित व्यक्ति है तो इन सभी चीजों से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को वो संक्रमण दे सकता है, संक्रमित कर सकता है। ब्रेकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कोविड के गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए। तो क्या है, इवन एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसमें कोई सिम्टम्स भी नहीं नजर आ रहे, वो भी ड्रोपलेट के जरिए एक वायरल लोड क्रिएट करता है। तो दोस्तों, जब आपको कोविड होता है, जरूरी नहीं कि कोविड के इन्फेक्शन आप में दिखाई दे, कई बार आपकी टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है और आप में कोई भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं दिखाई दे सकते, इवन आपको फीवर भी नहीं होता है, और कई बार आपको उसके केस में 13वें-14वें दिन में जाकर आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि अगर आप में सिम्टम नहीं है, आपके पास कोविड नहीं है, आप में कोविड नहीं है, आपको अपना और दूसरों का ध्यान रखना और मास्क लगाकर रखना है। सिम्टम्स एक इन्फेक्टेड, अगर आपको कोविड हो गया है तो कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लग सकते हैं आप में सिम्टम्स दिखाने के। कुछ व्यक्तियों में पहले ही दिन सिम्टम दिख जाते हैं, कुछ में दूसरे तीसरे दिन, कुछ में 5वें-6वें दिन और कुछ में 13वें-14वें दिन में जाकर जो है सिम्टम्स दिखते हैं। तो इस टाइम पे वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रांसमिट को अदर्स, लेकिन आप में सिम्टम नहीं दिख रहे इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लोगों में कोविड नहीं फैला सकते। तो इसीलिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों में सिम्टम नहीं दिखते और उनका कोविड ठीक भी हो जाता है लेकिन वो कोविड फैला सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आप में सिम्टम ना दिखे लेकिन आपसे जिस दूसरे व्यक्ति को कोविड हुआ है उसको खतरनाक सिम्टम्स हो। तो कोविड-19 गाइडलाइंस कार्यालय, घर और बड़े सार्वजनिक स्थलों में भारी हवा को आने की सलाह भी दी गई है। इन स्थानों में वेंटिलेशन में सुधार किए गए हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से प्राथमिकता। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वेंटिलेशन होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने इस माहौल में, तनाव भरे माहौल में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो हम देखने वाले हैं। तो शारीरिक दूरी और मास्क के उपयोग के अलावा वेंटिलेशन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जोखिम को कम किया जा सकता है। संचरण को रोके, महामारी का नाश करें, इस नाम से डॉक्यूमेंट में लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है, हमेशा याद रखें, जिन लोगों में कोविड के लक्षण नहीं दिखते हैं वे भी संक्रमण को फैला सकते हैं। वेंटिलेशन एक सामुदायिक सुरक्षा है जो घर या काम पर हम सभी को सुरक्षा करती है।
तो ड्रॉपलेट फॉल्स विद इन 2 मीटर्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप जैसे इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, जैसे ये छींक रहा है पर्सन, तो ये वायरस 2 मीटर के अंदर जो है जा सकते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है। तो एरोसोल एंड ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन ये किस तरीके से जा सकते हैं, सैलिवा के थ्रू जा सकते हैं, नेजल डिस्चार्ज के थ्रू जा सकते हैं, और भी काफी चीजें जो मैंने आपको बताई है। कार्यालय, घर और सार्वजनिक स्थानों में भारी आवाज जो है वो आनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, जिस भी कमरे में आप रहते हैं वहां पर धूप अच्छे से आनी चाहिए, आपको कभी भी बंद कमरे में कूलर या एसी चलाकर नहीं सोना चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए कमरे में, वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़कियों को खोल के रखना चाहिए, और अगर आपका रूम कुछ इस तरीके से है जिसमें कि वेंटिलेशन का जो है इंतजाम नहीं है, खिड़कियां नहीं है, तो आप वहां पर एग्जॉस्ट फैन लगवा सकते हैं। एरोसोल और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन क्या है, लार या नाक में स्त्राव बहता है, बूंदों का एक रूप होता है और एरोसोल वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाता है। बड़े आकार की बूंदें जमीन या फिर सतहों पर गिरती हैं और छोटे एयर सेल कण हवा के सहारे अधिक दूरी तक चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर बंद गैर हवादार इंडोर स्थानों में बूंदे या एयरसोल जल्दी से केंद्रित हो जाते हैं और लोगों में संचरण के जोखिम को बहुत बढ़ा देते हैं। भारी क्षेत्रों में संक्रमण संचरण का जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वायरस के कण जल्दी फैल जाते हैं। तो वेंटिलेशन द्वारा गंध को पतला किया जा सकता है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन नहीं होगी आपके रूम में, रूम आपका बंद होगा, तो वायरस के कण जो है वहीं पर बैठकर वहीं पर पनपते रहते हैं और वायरस को और ज्यादा फैलने का खतरा होता है। तो दोस्तों ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान रखनी है कि मास्क आपको लगाकर रखना है, जरूरी नहीं है कि आप में सिम्टम आए तब भी आपको कोविड है, अगर आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट करवा सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपको मसल्स पेन हो रहा है या आपको वीकनेस फील हो रही है, फटीक फील हो रही है, तो भी आपका कोविड हो सकता है। तो आप हमेशा मास्क लगा के रखें, क्योंकि जरूरी नहीं है आप में सिम्टम दिखाई दे, आपसे दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। और जिस भी रूम में आप रह रहे हैं, जहां पर भी आप घर पर रह रहे हैं, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखें कि धूप आती रहे, और इसके अलावा वहां पर क्या होता रहे, वहां पर आपके लिए पूरा हवा का प्रबंध भी हो। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।